इंडिया में वेट लॉस एक बहुत कॉमन और पॉपुलर टॉपिक है विद ऑलमोस्ट 50% ऑफ एडल्ट्स ट्राइंग टू बर्न फैट। हमारे देश में बेली फैट बर्न करने की जब बात आती है तो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं इस वीडियो के थ्रू हटाना चाहता हूँ। ये ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचने से आपके शरीर के ऊपर का सारा स्टबर्न फैट निकाल पाओगे, बिकॉज मिस्टेक्स सिंपली स्लो यू डाउन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 कॉमन वेट लॉस मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में जिनकी वजह से आपका फैट कम नहीं हो रहा। तो अगर आप आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो और इन गलतियों से दूर भागने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, वी आर वन बिग फैमिली एंड मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में मिलकर ट्रांसफॉर्म करें। डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड बाय द वे, सबसे इंपॉर्टेंट गलतियां मैं लास्ट में बताऊंगा, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एट नंबर 10 वी हैव फास्टेड कार्डियो। फास्टेड कार्डियो करने से आप ज्यादा फैट बर्न नहीं करने वाले। किसी भी प्रकार का कार्डियो फैट बर्न करेगा, चाहे आप कार्डियो खाली पेट पे सुबह सुबह करो, चाहे आप कार्डियो शाम को करो या सोने से पहले करो, इट डजंट मैटर। अगर आप ज्यादा कार्डियो करोगे तो आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, जिससे आप एक कैलोरी डेफिसिट में एंटर करोगे। तो स्टॉप थिंकिंग की फास्टेड कार्डियो बाकी प्रकार के कार्डियो से बेहतर है। HIIT या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मैजिकली ज्यादा फैट बर्न नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले दिन हाई इंटेंसिटी किया और दूसरे दिन लो इंटेंसिटी किया तो दूसरे दिन आप फैट बर्न नहीं करोगे। यस, लो इंटेंसिटी कार्डियो के कंपैरिजन में HIIT ज्यादा टाइम एफिशिएंट होता है। इसका मतलब कम टाइम में आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, बट इट इज वेरी टैक्सिंग ऑन द रिकवरी प्रोसेस, स्पेशली आपके लेग्स। सो स्टॉप थिंकिंग की HIIT बाकी टाइप्स के कार्डियो के कंपैरिजन में बेहतर है। देयर इज नो यूनिवर्सल बेस्ट टाइप ऑफ कार्डियो। मैं हमेशा से कहता हूँ और एक और बार कहूंगा, बेस्ट टाइप का कार्डियो वो होता है जिसे करने में आपको मजा आता है, जो आप एंजॉय करते हो वो आपके लिए बेस्ट टाइप ऑफ कार्डियो है। प्लीज आपके फेवरेट यूट्यूबर या बॉलीवुड स्टार के डाइट प्लान्स कॉपी पेस्ट करना बंद करो। उनका डाइट प्लान फॉलो करने से आप उनकी फिजिक अचीव नहीं करने वाले। मुझे इतने सारे कमेंट्स और मैसेज आते हैं, भाई आपका डाइट प्लान प्लीज शेयर करो। एक फिक्स डाइट प्लान नहीं रहता जो इस दुनिया के सारे लोग फैट लॉस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके मेंटेनेंस कैलोरीज के नंबर्स अलग होते हैं, और सबको एक कैलोरी डेफिसिट में खाने के लिए उनके बॉडी और उनके नंबर्स के हिसाब से खाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस देखने से You won't look like me. Yes, आप इन वीडियो से आइडियाज चुरा सकते हो और मील आइडियाज चुरा सकते हो, बट कभी भी फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोज या डाइट प्लान्स को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत करना, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। 2 हफ्तों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपके बॉडी के ऊपर का सारा फैट पिघलने नहीं वाला। अगर आपको फास्टिंग करना है तो आप कर सकते हो, बट इन दी एंड आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। मैंने खुद फास्टिंग ट्राई किया है एंड स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यस, फास्टिंग कुछ लोगों के लिए डाइटिंग आसान बना सकता है, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ये सबके लिए नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर 2 लोगों में से एक फास्टिंग करेगा तो वो दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा फैट बर्न करेगा। इन दी एंड आपको क्या करना है, एक कैलोरी डेफिसिट में खाना है। कैलोरी डेफिसिट इक्वल टू फैट लॉस, ट्रस्ट मी, दैट इज इट। ऐसा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कार्ब्स, जो आपको मोटा बना रहा है। अगर आपको बॉडी फैट कम करना है, आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 50% प्रोटीन, 20% फैट्स और 30% कार्ब्स नहीं खाए तो आपका फैट कम नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो आप फैट पुट ऑन करोगे, एंड ऑफ स्टोरी। तो किसी को कभी मत कहना कि आपका वजन कार्ब्स खाने की वजह से बढ़ रहा है या ज्यादा फैट्स खाने की वजह से बढ़ रहा है। इन रियलिटी आपका वजन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर योर डाइट और आप एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं खा रहे। 10 मिनट ऐप वर्कआउट्स या YouTube पे सर्किट ट्रेनिंग वीडियोस देखने से आपका बेली फैट कम नहीं होने वाला। ऐप वर्कआउट्स आपके एब्डोमिनल मसल्स जरूर बिल्ड करेंगे और आपका कोर जरूर स्ट्रेंथन करेंगे, बट दे विल नॉट बर्न फैट। अगर मैं हर रोज पुशअप्स करूंगा तो मेरा चेस्ट मसल जरूर ट्रेन होगा, बट क्या मेरा चेस्ट फैट कम होगा? नहीं। स्पॉट रिडक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आपके शरीर के ऊपर के सिर्फ एक हिस्से से फैट कम नहीं कर सकते। अगर आपको बेली फैट बर्न करना है तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा और पेशेंस के साथ आपके बॉडी के हर हिस्से का फैट निकल जाएगा। देखो 7:10 हो रहा है और मैं चपाती खा रहा हूं। क्या इसका मतलब मैं कल सुबह मोटा दिखने वाला हूं? नहीं। क्या चावल खाने से मेरी पेट की चर्बी बढ़ने वाली है?
नहीं, सिर्फ एक चीज है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है और वो है आपका टोटल कैलोरी इनटेक। आई डोंट केयर इफ यू ईट व्हाइट राइस और चपाती एट 9 PM और 11 PM, आपका बेली फैट चावल राइस व्हाइट ब्रेड ये सब खाने से नहीं बढ़ रहा, वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। आपका वजन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप एक कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो, दैट इज ऑल। ऐसा सोचना बंद करो कि ऐसा एक फूड आइटम है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। सोचो अगर एक ऐसा सप्लीमेंट या एक ऐसा टैबलेट होता जो मैजिकली सारा फैट बर्न करता तो क्या आज इतने सारे लोग ओवरवेट होते? नहीं, फैट बर्नर्स एक स्कैम होते हैं। सप्लीमेंट कंपनीज जानबूझ के ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें फैट लॉस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती। क्यों? उनसे पैसे लेने के लिए। आप जो यूट्यूबर्स को देखते हो और जिन्हें फॉलो करते हो उनकी बॉडी एक फैट बर्नर या एक टैबलेट लेने से नहीं बनी होती, बल्कि डाइटिंग करते वक्त हर दिन कंसिस्टेंटली एक कैलोरी डेफिसिट में खाने से और होशियारी से ट्रेन करने से बनी होती है। वो इन प्रोडक्ट्स को इसीलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि उन्हें ब्रांड से पैसे मिलते हैं। व्हाई शुड यू बिलीव मी? क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। आपको क्यों लगता है कि मैंने आज तक कोई 5 मिनट फैट बर्निंग वर्कआउट नहीं बनाया? आपको क्यों लगता है कि मैंने आज तक इस चैनल पे किसी भी फैट बर्नर को प्रमोट नहीं किया? क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को मिसलीड नहीं करना चाहता। तो स्टे अवे फ्रॉम फैट बर्नर्स एंड स्टॉप थिंकिंग कि फैट बर्नर्स आपका बॉडी फैट कम करेंगे। इस वाली गलती से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मेरी बात कान खोल के सुन लो। बल्किंग और कटिंग करते वक्त सिर्फ एक चीज बदलती है और वो है आपका कैलोरी इनटेक। आपकी ट्रेनिंग सेम रहती है, आपकी स्लीप सेम रहती है, विच इज द स्टैंडर्ड 7 to 9 hours। सो स्टॉप थिंकिंग कि कटिंग करते वक्त आपको अचानक से हाई रेपिटेशन लगाने चाहिए बिकॉज आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। वेट ट्रेनिंग इज नॉट फॉर बर्निंग कैलोरीज। अगर आपको कैलोरीज बर्न करनी है तो जाके कार्डियो करो। वेट ट्रेनिंग करते वक्त आपका मेन गोल होना चाहिए मसल बिल्डिंग, और क्योंकि आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो आपके मसल लॉस के चांसेस थोड़े से बढ़ते हैं, विच इज वाई वेट ट्रेनिंग करते वक्त आपको जितना हो सके उतना मसल मास प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप बल्किंग करते वक्त 10 kg डंबल के साथ गर्ल्स के 10 repetitions लगाते थे तो कटिंग करते वक्त वही करो, उल्टा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर फोकस करो। अचानक से 5 kg डंबल के साथ 12 reps लगाना चालू मत करो, इससे आपका ओवरऑल वर्कआउट वॉल्यूम कम होगा, विच विल लीड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मसल लॉस। द नंबर वन मिस्टेक जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा, यू आर ड्रॉपिंग कैलोरीज टू क्विकली। अगर आपको एक कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए इन रियलिटी 2000 कैलोरीज खानी चाहिए पर आप इम्पेशेंट होके 1600 कैलोरीज खाने लगते हो तो पता है क्या होगा? शुरू शुरू में आप बहुत सारा फैट बर्न करोगे, आपका वजन बहुत जल्दी घटने लगेगा, आप शीशे में देखोगे और खुद को कहोगे वाओ यार। पर एक या दो हफ्तों के बाद आपका वजन कम होना बंद हो जाएगा और फिर आप रियलाइज करोगे मैं अभी 1600 कैलोरीज पे हूँ, कैलोरीज और कम करूंगा तो मेरी वाट लग जाएगी, जिसकी वजह से आपकी फैट लॉस जर्नी रुक जाएगी और आप एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ऐसे सिचुएशंस में आपको रिवर्स डाइटिंग करके आपके मेंटेनेंस कैलोरीज वापस ऊपर आपके मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 के आसपास लाने पड़ेंगे और डाइटिंग दोबारा चालू करनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, मैंने पिछले साल खुद ये गलती की थी और मैं नहीं चाहता आप में से कोई ये गलती करे। इट्स नॉट वर्थ इट। आप बहुत सारा मसल लूज करोगे, विच नो वन वांट्स। सो टू समराइज, डाइटिंग करते वक्त अगर आपको लगता है कि आपका वजन कम होना बंद हो गया तो कैलोरीज को एकदम से ड्रॉप मत करना, 100 कैलोरीज घटाओ या थोड़ा सा कार्डियो इंक्रीज करो। पेशेंट रहो, हर दिन कंसिस्टेंटली आपका 100% दो एंड ट्रस्ट मी, आप ये कर सकते हो, बिलीव इन योरसेल्फ। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए हम जैसे क्रिएटर्स बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में इन 10 पॉइंट्स के टाइटल्स मत लिख देना, इट्स वेरी इंसल्टिंग टुवर्ड्स द क्रिएटर। अगर आपको नई चीजें सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सिंपली वीडियो मत देखो, बट प्लीज ऐसी हरकतें मत करना। अगर आपको फैट लॉस के ऊपर और थोड़ी सी सहायता की जरूरत है, मैंने टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हो। खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना, मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।